मंदसौर से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों से भरी एक पिकअप वैन पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बिलोद गांव की है, जहां पर ये पिकअप वैन जा रही थी, यात्रियों से भरी हुई थी और सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। मंदसौर से रामदेवरा ये पिकअप वैन जा रही थी और सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें दो लोगों की मरने की खबर आ रही है, जबकि उसमें जो बाकी यात्री सवार थे करीब एक दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर है। ये पिकअप वैन यात्रियों से भरी थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई और करीब एक दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। मंदसौर से रामदेवरा जा रही थी ये बस, कह रहे ये तो बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में दो लोगों की मरने की खबर आ रही है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी थी ये पिकअप वैन और वैन के पलटने से इसमें बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और नरेंद्र धनोटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जो अभी खबर आ रही है कि दो लोगों की मौत और कई लोग उसमें घायल हुए हैं, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, एक पास में स्थान है बाबा रामदेव का और प्राचीन स्थान है, वहां पर आसपास के अंचलों के लोग दर्शन करने आते हैं। भादवा महीने की जो द्वितीया तिथि है उस दिन ये मेला लगता है और ये आसपास के गांव से कमर्शियल वाहन में भी सवारी ढोकर के आ जाते हैं और एक ऐसे ही पिकअप वाहन में 15 से 20 लोग इसमें भरे थे ठूस ठूस करके और इनकी गति भी तेज थी। अचानक वाहन जो असंतुलित हो गया और एक खाई में जा गिरा, जिसके कारण एक बच्ची सहित तीन लोगों की उसमें मौत हो गई है। अच्छा, और 15 से ज्यादा यात्री उसमें घायल है, जिसमें चार लोगों की स्थिति गंभीर है और जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और नरेंद्र, जो लोग घायल हुए थे क्या सभी को वहां से अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, जो जिनको चोट कम लगी थी उनको पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में एडमिट किया गया है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।